नमस्कार, मैं विवेक ट्री ऑफ स्किल से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के सेशन में। आज के हमारे सेशन में हम देखेंगे जो हमने राग दुर्गा की जो बंदिश करी थी मनमोहन झा, उसे किस प्रकार से तालबद्ध तरीके से गाना है, वो कौन सी ताल पर निबद्ध है, कहां से उठ रही है, इन सारे सवालों का आज हम देखेंगे किस प्रकार से उसको करना है, उसके क्या जवाब हैं सारे। पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हमारी बंदिश है यह तीन ताल पर यानी कि द्रुत तीन ताल पर निबद्ध है। द्रुत तीन ताल का मतलब फास्ट हमारी तीन ताल जो है, जब हम इसको गाएंगे तो हमारी जो तीन ताल है वो फास्ट तरीके से चलेगी, तो उसे कहते हैं द्रुत तीन ताल। यानी कि तीन ताल को तीव्र गति से तेज गति में बजाना, फास्ट तरीके से बजाना द्रुत कहलाता है। और तीन ताल आपको पता ही है, एक बार मैं फिर भी बता देता हूँ आपको, इसके जो शब्द हैं धा धिन धिन धा धिन धिन धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा, ये हमारे तीन ताल के शब्द हैं। अब इसका जो हमारी दुर्गा की जो बंदिश है, इसका जो स्थाई है वो 12वीं मात्रा से उठ रहा है और जो अंतरा है वो उठ रहा है 9वीं मात्रा से। अब हम देखते हैं किस प्रकार से इसे ताल पर गाना है, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक तबला है इस पर मैंने 185 BPM सेट करा हुआ है और जो मेरा तानपुरा है उस पर सी शार्प स्केल लगाया हुआ है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, इसकी स्पीड को भी कम कर सकते हैं, पर ये द्रुत लय की बंदिश है यानी फास्ट टेम्पो की बंदिश है, तो इसे तेज ही गाया जाता है, तो इसलिए आप कोशिश करिएगा इसको 185 BPM या 180 में करके गाइए, बाकी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं इसमें। तो अब हम देखते हैं बंदिश किस प्रकार से ताल पर गानी है, 12वीं मात्रा से स्थाई है और 9वीं मात्रा से अंतरा। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से, धा दिन धिन दा धा दिन धिन दा धा तिन मन मोहन जा जा होरी खेलन, मन मोहन जा जा होरी खेलन, भरन पे चकारी ले हो रंग भरी, भरन पे चकारी ले हो रंग भरी, मन मोहन जा जा होरी खेलन। तो आपने देखा किस प्रकार से मैंने कितनी फास्ट स्पीड में इस बंदिश को गाया, इतनी ही फास्ट स्पीड में इस बंदिश को गाया जाएगा क्योंकि यह द्रुत तीन ताल की बंदिश है। आपने देखा 12वीं मात्रा से किस प्रकार मैंने बंदिश उठाई, एक बार फिर देखिए, मन मोहन जा जा होरी खेलन, मन मोहन जा जा होरी खेलन, भरन पे चकारी ले हो रंग भरी, भरन पे चकारी ले हो रंग भरी, मन मोहन जा जा होरी खेलन। अब इसी प्रकार 9वीं मात्रा से हमें इसका अंतरा उठाना है, रंग भरी मूरत मोहन की अति, रंग भरी मूरत मोहन की अति, लागे प्यारी मोरे नैना रसीले, मन मोहन जा जा होरी खेलन। अब मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से स्थाई गा करके उसके अंतरे में जाना है, क्योंकि जो हमारा स्थाई है वो 12वीं मात्रा से शुरू है और अंतरा जो है वो 9वीं मात्रा से शुरू है। तो आप देखिए किस प्रकार से मैं 12वीं मात्रा से उठाता हूँ स्थाई और 9वीं मात्रा पे इसका अंतरा से शुरू करता हूँ। मन मोहन जा जा होरी खेलन, मन मोहन जा जा होरी खेलन, भरन पे चकारी ले हो रंग भरी, भरन पे चकारी ले हो रंग भरी, मन मोहन जा जा होरी, रंग भरी मूर मोहन की अति, रंग भरी मूरत मोहन की अति, लागे प्यारी मोरे नैना रसीले, मन मोहन जा जा होरी खेलन, मन मोहन जा मन मोहन जा मन मोहन जा जा होरी खेलन। तो यह थी हमारी बंदिश तीन ताल पर। अब आप इसको अपने हिसाब से टेम्पो सेट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ यह द्रुत तीन ताल की बंदिश है, तो इसे फास्ट टेम्पो में ही करिएगा, तभी इसका आनंद आपको पता लगेगा किस प्रकार से यह बंदिश है, क्योंकि जब हम शास्त्रीय गायन गाते हैं तो उसमें फास्ट चीज़ें भी होती हैं,
इसलिए ये जो फास्ट है तो इसको आप फास्ट में ही गाइएगा। आशा करता हूँ आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। अब हम अगले सेशन में मिलते हैं। नमस्कार।